हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेशन जो था उसमें हम लोगों ने नोटिस किया कि नेट फोर्स तो जीरो आ ही रहा है एंड नेट टॉर्क कुछ स्पेशल केस में हमारा जीरो आ रहा था, राइट। एंड अगर मैं उस पोजीशन से थोड़ा सा भी आगे पीछे डिस्प्लेस करता हूँ, आई मीन रोटेट करता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लेता हूँ, तो फिर वहां पर आपको ऑसिलेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो लेट्स चेक, अगर हमें ऑसिलेशन ऐसा मिल रहा है, आई मीन नेट टॉर्क जो है क्या वो रिस्टोरिंग टॉर्क मिल रहा है। अगर रिस्टोरिंग टॉर्क हमें मिलेगा तो फिर क्या एंगुलर एसएचएम का हम लोग एक सिंपल केस बना सकते हैं एंड वी कैन स्टडी इट, सी, ठीक है। सो एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट चेक कि एक्चुअली एंगुलर एसएचएम क्या रिस्टोरिंग टॉक है या नहीं। रिस्टोरिंग टॉक नहीं हुआ तो फिर एसएचएम का केस नहीं बनेगा। सो लेट्स से इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपने रखा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा मतलब नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉक भी जीरो, वैसे सिचुएशन में आपने डायपोल रखा, तो इनिशियली डायपोल आपने ऐसे रखा है, ठीक है। एंड देन मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सम स्मॉल एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है, से थीटा एंगल से रोटेट कर दिया ना। तो आपने क्या नोटिस किया कि इसमें जो टॉर्क आ रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं ना, और डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये माइनस, मतलब जो फाइनल केस मैंने बनाया ग्रीन कलर से, जो डायपोल बना उसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में सेंस ऑफ रोटेशन ये बनेगा। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है, जिस डायरेक्शन में आपने उसको रोटेट किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली नेट टॉर्क आ रहा है, ठीक है। इट मींस रीस्टोरिंग नेचर का है टॉर्क। टॉर्क क्या कर रहा है, वापस उस डायपोल को इक्विलिब्रियम पोजिशन पर लेकर आना चाह रहा है। अब क्या होगा, वापस वो टॉर्क उसको इक्विलिब्रियम पोजिशन पर लेकर आएगा, बट वहां पर तो रुकेगा नहीं पार्टिकल, क्योंकि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आई मीन दोनों चार्जेस हैं, उनका कुछ मास है, और उनका मास है तो फिर वो रोटेट, उनका एक इनर्शिया रहेगा रोटेशन, तो अगर वो एक बार मोशन में है तो वो रुक नहीं सकते। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, उनका वेलोसिटी जैसे ही कुछ रहेगा, ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन वेलोसिटी, तो नेट फोर्स तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा, बट उसका तो घूमने का कुछ वेलोसिटी आ गया, राइट। तो वो वहां पर रुकेगा नहीं, वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, वो इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। सो बेसिकली इस तरह से ऑसिलेट करेगा ना, ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का अबाउट क्या है, थीटा एंगल पे ऊपर जाएगा, थीटा एंगल फिर नीचे जाएगा, इस तरह से आपका ऑसिलेशन करेगा। सो लेट्स चेक क्या ये एसएचएम, क्या ये ऑसिलेशन एक्चुअली एसएचएम है, क्योंकि अगर ये एसएचएम होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, है ना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, चार्जेस का जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन जबरदस्ती हम लोग बना देते हैं कि ये एसएचएम वगैरह होगा, बट एक्चुअली क्या होता है, चार्ज जब ऑसिलेट करता है, बेसिकली चार्ज जब एक्सेलरेट हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें एनर्जी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, और उसमें एनर्जी लॉस हो रहा होता है। तो इन जनरल एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट मतलब ये तुम्हारा सिर्फ मैकेनिक्स का एप्लीकेशन समझाने के लिए एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया, ठीक है। सो रीस्टोरिंग टॉर्क या फिर नेट टॉर्क आप बोल सकते हो, इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो हम लोगों ने पहले से रट्टा मार के रखा हुआ है। वैल्यू आता है इसका पी E साइन थीटा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर, पता नहीं दिखने में कोई दिक्कत हो रही है। सो वैल्यू हम लोग के पास आ रहा था P साइन थीटा, ठीक है। माइनस साइन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये बोल के कि जिस डायरेक्शन में आपने एंगल थीटा कवर किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका टॉर्क डेवलप हुआ है, ठीक है। सो माइनस P साइन थीटा आपका वैल्यू होता है ना, नेट टॉर्क, ठीक है। और नेट टॉर्क कैसे लिखेंगे, इस दोनों मास का इस सेंटर के अबाउट क्या होगा, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। सो आप इसको लिख पाओगे, टॉर्क को आप लिख पाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये बोलना है, बड़े एंगल के लिए नहीं, छोटे एंगल के लिए, अगर थीटा आपका वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा एंगल, मतलब बहुत छोटे एंगल से आपने उसको रोटेट किया और छोड़ दिया, तो फिर एकदम छोटे एंगल पे वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट में, साइन थीटा को आप
अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल आता है, ठीक है। इफ दैट इज द केस देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज एंगुलर एक्सलरेशन, ये हो जाएगा आपका माइनस, बाहर रख दिया मैंने, पी ई और आई, ठीक है, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिनोमेटर में आ गया वो, एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की जगह विल राइट थीटा। तो ये आपका इक्वेशन है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। और एंगुलर एसएचएम आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो एंगुलर एसएचएम में एक्सप्रेशन होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज डी टू थीटा ओवर डी टी टू, ये जो है बेसिकली आपका एंगुलर एक्सलेशन है, ये इक्वल्स टू एक्सप्रेशन आता है सम कॉन्स्टेंट, एक्चुअली उसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इन टू थीटा, दिस इज योर जनरल इक्वेशन। अगर ये फॉर्मेट आपका आ रहा है यानी माइनस साइन है विच शोज कि आपका टॉर्क जो है रिस्टोरिंग नेचर का है, ओमेगा स्क्वायर विच मीन सम कॉन्स्टेंट है एंड एंगल थीटा है, तो फिर आपका टाइम पीरियड आप लिखोगे, देन आप टाइम पीरियड इस ऑसिलेशन का डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा है ना, तब को टाइम पीरियड याद होगा ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। और इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करो, पीई ओवर आई का वैल्यू क्या है, नीचे ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है राइट, सो बेसिकली 2 पाई ओमेगा की जगह आई कैन राइट स्क्वायर रूट पीई ओवर आई राइट, सो टाइम पीरियड देयरफॉर यहां से आ जाएगा 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट डिवाइड बाय पी, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, एंड ऑब्वियसली ये एसएचएम तब होगा जब एंगल छोटा होगा, हालांकि एक्चुअली वो भी एसएचएम नहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि क्या होता है एनर्जी लॉस होता है, बट ठीक है दैट इज लाइक नॉट रियली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हम लोग इसको एज ए सिंपल केस मान के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इसको फास्ट नोट कर लो ना, दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्ली विल स्टडी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो क्या होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायपोल का पढ़ेंगे इन सम एक्सटर्नल फील्ड, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में विल बी एबल टू कंप्लीट डायपोल का पार्ट। हेलो सर।